गीता के दूसरे अध्याय का जो सार है वो चार पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट ये कहता है कि श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ये तो पहले सोचना था युद्ध में आने से पहले कि युद्ध करना है कि नहीं, अब आ गए तो पीछे हटना कायरता है और उसके बाद जो इंसल्ट होगी ना वो तुम सह नहीं पाओगे, जहाँ जाओगे लोग ताने देंगे, तो इसलिए अब युद्ध करो, कर्म करो। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि कर्म करना इम्पॉर्टेंट है, फल की चिंता नहीं करनी है हमें बिल्कुल भी। हम जीते या हारे वो एक अलग पॉइंट है, जीत गए तो डिजायर्ड गोल मिल जाएंगे, बल्ले बल्ले हो गई, और अगर हार भी गए तो मन में शांति रहेगी कि मैंने अपना 100% दिया, मैंने एफर्ट किया, उसके बाद कोई नहीं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि तुम क्यों परेशान हो कि मैं अपनी फैमिली को मार रहा हूँ, ये सब आत्माएं हैं, तुम शरीर से प्यार करते हो या आत्मा से, अगर तुम आत्मा से प्यार, याद रखना आत्मा ना तो मरती है ना मारती है, तो ये हमेशा रहेंगे, मैं तुम बीच पितामह, तो इस परेशानी से ऊपर उठो कि मैं किसी है नश्वर है, कभी खत्म नहीं होगी। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि मुंह से ऊपर उठना है, धन सक्सेस करियर रिश्ते बुरे नहीं है, पर इनसे एक्स्ट्रा मोह बुरा है। तो दोस्तों आप सोचिए क्या आप कम कर रहे हैं, क्या फल की चिंता किए बिना एफर्ट कर रहे हैं, क्या मोह से पीछे हटे हैं या नहीं।